जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, अपने ऊपर भगवान की अनंत कृपा समझनी चाहिए। भगवान सर्वत्र हैं, सब समय हैं, अतएव निरंतर उनकी सन्निधि का अनुभव करके पल पल में प्रसन्न होना चाहिए। भगवान का प्रेमी कभी दुखी होता ही नहीं, उसके पास परम सुख की अटूट निधि होती है, परम प्रेमास्पद प्रभु की पवित्रतम और मधुरतम स्मृति। यह निधि सदा उसकी सेवा में रहती है, इसलिए वह सदा सर्वदा सर्वत्र प्रेमानंद सुधा रस का मधुर आस्वादन करता हुआ नित्य प्रसन्न रहता है। शरीर क्षणभंगुर है, इसलिए इस शरीर तथा शरीर से संबंधित प्राणी पदार्थों के प्रति ममता आसक्ति रखना तथा इन प्राणी पदार्थों से सुख की आशा रखना सर्वथा मूर्खता है। यह संसार दुखालय ही है, इसमें आगे पीछे सर्वत्र दुख ही दुख भरा पड़ा है, अतएव यहाँ सुख खोजने पर निराशा ही होती है। पर यह दुखालय अनित्य संसार परम सुख स्वरूप सच्चिदानंद घन भगवान से भरा है। उन भगवान में मन लगाने पर भोगों से सुख की आशा छोड़कर, भोगों से आस्था हटाकर, भोगों से आस्था हटाकर भगवान में ही आस्था रखने पर सदा सर्वत्र सुख की ही उपलब्धि होती है। भोगों पर आस्था और भोगों से सुख की आशा ही महामोह है। इसी से मनुष्य रात दिन कहीं कहीं कर्तव्य धर्म और भगवान के नाम पर भी भोग सेवन में लगा रहता है। यह बड़ा प्रमाद है। इस मोह तथा प्रमाद से बचकर, इस मोह को भंग करके श्री भगवान के परम मंगल में चरण कमलों में पवित्र निस्वार्थ प्रेम करना ही मनुष्य जीवन का परम ध्येय है। जो ऐसा सहज प्रेम करता है, उसके हृदय में भगवान अपना घर बनाकर सदा के लिए बस जाते हैं। जाही न चाहिए कबहूँ कछु तुम सन सहज स्नेह, बसहूँ निरंतर तासुमन सो राउर निजगेह। जो सब ओर से ममता हटाकर श्री भगवान के चरण कमलों में ही सारा ममत्व जोड़ देता है, उसे भगवान लोभी के धन की भांति अपने हृदय में बसा लेते हैं। अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे। मानव जीवन की सफलता के सूत्र। पहला, भगवान में प्रेम मूलक पवित्र अनन्य ममता। दूसरा, भगवान का मन से नित्य स्मरण। और तीसरा, वाणी से भगवान के नाम का जप। शरीर से जो कुछ कार्य किया जाए, सब में भगवत सेवा की भावना, भगवान ने जो मंगल विधान रचा है वही परम मंगलमय है, उसी में सदा प्रसन्न रहना चाहिए। मन में कोई भी विचार नहीं करना चाहिए। भगवान सदा सर्वत्र हैं, उनके स्मरण में ही परम कल्याण है। निरंतर उन्हीं का पवित्र मधुर स्मरण करते रहना चाहिए। भगवान की तुम पर बड़ी ही कृपा है, फिर तुम अपना विचार क्यों किया करते हो? उस कृपा पर विश्वास करो। तुम्हारे मन में जो कुछ भगवत प्रेम की अभिलाषा है, उसे भगवान अवश्य पूर्ण करेंगे, निश्चयपूर्वक ऐसी दृढ़ अनुभूति करो। भगवान के प्रति जो अपने को सौंप देता है तथा सब जगह से ममत्व हटाकर भगवान में ही ममत्व कर लेता है, वह निरंतर लोभी के धन की तरह भगवान के हृदय में बसता है। उसे भगवान हृदय में बसाए रखते हैं, उन्हें उसके बिना चैन ही नहीं पड़ती। भगवान की इस महान प्रीति के प्रति हम लोगों को आस्था विश्वास करके सदा परम प्रसन्न होना चाहिए। भगवान का सौहार्द, भगवान का स्वभाव, भगवान की कृपा, भगवान का प्रेम, भगवान की निज जन परायणता एवं प्रेमवशता ऐसी विलक्षण है कि उस ओर देखने पर मनुष्य अपनी सारी कमजोरियों, सारी त्रुटियों तथा सारी भूलों को भूलकर सचमुच उन्हीं में रम जाता है, अपने को खो देता है।
केवल प्रभु ही रह जाते हैं। भगवान की ऐसी ही प्रेममयी ममता है। भगवान से यही प्रार्थना है कि उनकी इस प्रेममयी ममता को सदा स्मृति बनी रहे, उनकी इस प्रेममयी ममता की सदा स्मृति बनी रहे, जिससे जगत का सब कुछ विस्मृत होकर एकमात्र परम प्राण प्रियतम प्रभु ही रह जाएं। ना जगत रहे, ना जगत का कोई देखने वाला, ना विषय रहे, ना विषय आसक्ति और ना विषय आसक्त। हेरत हेरत हे सखी, हेरन गयो हेराए, ढूंढते ढूंढते ढूंढने वाला खो गया और जिसे ढूंढ रहा था केवल वही रह गया, केवल वही रह गया। जय श्री राधे, जय श्री राधे।